मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर, आपकी नितिका मैम। अब हम पढ़ेंगे हिंदी परिवेश, हिंदी परिवेश का पाठ 10, जिसका नाम है हम करके कुछ दिखलाएंगे। यह एक कविता है। कविता पढ़ने में आपको मजा आता है ना, अच्छी लगती है कविता, तो आप हिंदी परिवेश की बुक ओपन कीजिए, उसमें निकालिए पेज नंबर 76। अपनी कविता स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कविता सुनेंगे और पढ़ेंगे। पाठ 10, हम करके कुछ दिखलाएंगे। है शौक यही, अरमान यही, हम करके कुछ दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग पड़े अंधेरे में, अपनी ही नहीं नजर में हैं, उनके घर के हर कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आजादी के रखवाले हैं हम, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, सच्चे सपूत कहलाएंगे। आपने ये कविता पढ़ी, आपको अच्छी लगी ना? अभी हम इसका अर्थ देखेंगे। अभी आपने सुनी है ना कविता, अब हम इसको पढ़ेंगे, पढ़ के इसका अर्थ समझते हैं। तो इसमें कविता का टाइटल क्या है, हम करके कुछ दिखलाएंगे, मतलब हम कुछ स्पेशल, कुछ अच्छा करके दिखलाएंगे। कविता स्टार्ट करते हैं, है शौक यही, अरमान यही, हम करके कुछ दिखलाएंगे। शौक मतलब हमारा शौक है कि हम कुछ अच्छा करके दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। मरने वाली दुनिया में मतलब इस दुनिया में जो आया है वो तो जाएगा ना, तो इसमें अमर कौन हो जाता है, जो बहुत अच्छा काम करके जाते हैं, तो उनका नाम हमें सालों साल याद रहता है ना। जैसे गांधी जी हैं, इतने हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, इतने साइंटिस्ट, इतने बड़े बड़े लोग हैं, कुछ अच्छा काम करके गए तो उनका नाम याद रहता है, तो नाम अमर हो गया ना उनका। तो मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जो लोग गरीब हैं और भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, मतलब जिन पर किसी की छाया नहीं है, मतलब जिनके ऊपर किसी का हाथ नहीं, जिनके साथ कोई नहीं है, जो अकेले हैं, वो गरीब हैं और भिखारी हैं, मतलब भीख मांगकर अपना काम कर चलाते हैं, हम उनको गले लगाएंगे, मतलब हम उनका साथ देंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे और उनकी मदद करेंगे। जो लोग पड़े अंधेरे में, अपनी ही नहीं नज़र में हैं, अंधेरे में पड़े हैं, मतलब अंधेरा मन के अंधेरे में, ऐसा नहीं है कि अंधेरे कमरे में, मन के अंधेरे में अपनी ही नहीं नज़र में हैं, उनके हर घर के कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे, मतलब जिनको दुनिया में कुछ नहीं पता कि क्या करना है क्या है, उनके हर घर के कोने में उद्यम मतलब मेहनत का दीप जलाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, मतलब जो हार मान चुके हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमसे कुछ नहीं होगा, और उम्मीद मार कर बैठे हैं मतलब आशा, उम्मीद, होपलेस होकर बैठे हैं, जो डिफीट मतलब हार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में, मतलब बुझे दिमाग, होपलेस माइंड, जो माइंड में रहता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम ऐसे होगा, फिर से उत्साह जगाएंगे, मतलब फिर से जोश जगाएंगे उनके होपलेस माइंड में, हम उनको एनकरेज करेंगे कि कुछ करो, उठो, ऐसे नहीं बैठो, फिर रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के रखवाले हैं, हमको रोकना नहीं, हम जो भी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमें आगे बढ़ने दो, हम आज़ादी के रखवाले हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाएंगे। मातृभूमि हमारी मदरलैंड ना, उसकी सेवा में हम अपना सब कुछ, सर्वस्व मतलब सब कुछ लुटाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, उन वीरों के मतलब जो वीर जवान होते हैं, उनके बच्चे हैं हम, जो धुन के पक्के और सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, सच्चे सपूत कहलाएंगे, उनका हम नाम खराब नहीं होने देंगे, हम उनका मान बढ़ाएंगे और सच्चे सपूत मतलब अच्छे पुत्र, अच्छे बच्चे कहलाएंगे। ये कविता अच्छी थी ना, समझ में आई? तो इसके कवि कौन है, राइटर नहीं, कहानी होती है उसके राइटर होते हैं, लेखक, और ये कविता है तो इसके कवि हैं, तो कवि कौन है, राम नरेश त्रिपाठी, देखो ये है ना राम नरेश त्रिपाठी जी, और ये है कविता का टाइटल, हम करके कुछ दिखलाएंगे। इन्होंने ये कविता इतनी अच्छी, इतनी सुंदर कविता लिखी है। अब हम इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास में सबसे पहले क्या है, नए शब्द,
नए शब्द आए थे, ये वाले शब्द आए थे ना इसमें कविता में, शौक आया था तो शौक का मतलब बताया था ना रुचि, चाव, अरमान शब्द आया था तो उसका मतलब है अभिलाषा मतलब इच्छा, उद्यम मतलब मेहनत परिश्रम, फिर है उम्मीद, उम्मीद का मतलब आशा, उत्साह का मतलब जोश, मातृभूमि मतलब जन्मभूमि हमारी मदरलैंड, सर्वस्व मतलब अपना सब कुछ, धुन के पक्के सच्ची लगन वाले, मान मतलब आदर, सपूत मतलब सच्चा पुत्र, अच्छा पुत्र जो होता है सच्चा होता है वो सपूत कहलाता है और जो खराब पुत्र होता है वो कपूत कहलाता है। फिर अभी हम अभ्यास में क्या करेंगे, श्रुत लेख सुनकर लिखना, ये हार्ड वर्ड्स है ना इनको सुनना है लिखना है, अरमान, अंधेरे, उद्यम, उम्मीद, उत्साह, जगाएंगे, मातृभूमि, सेवा, सर्वस्व, पक्के, सच्चे, सपूत, हो गए ना श्रुतलेख। अब हम करेंगे कविता की बात। देखो आपको याद है हमने इसके पहले एक नाटक पढ़ा था ना, दरबार वाला पार्ट 9 पढ़ा था ना, उसमें क्या था, नाटक की बात था ना, वो जो कहानी होती है उसमें क्या होता है, कविता की बात, फलों के दरबार में क्या था, नाटक की बात, अभी ये कविता है तो इसमें क्या लिखा है, कविता की बात, तो हमको ध्यान रखना है कौन सी कविता है, कौन सी कहानी है, कौन सा नाटक है, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी इसमें कविता की बात में देखते हैं, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है मौखिक, मौखिक में क्या है, मौखिक तो आपको सबको पता है, मौखिक क्वेश्चन आंसर कैसे होते हैं, बोलकर हमें आंसर देना है। तो क नंबर में क्या है, कवि किसके माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं, कवि बच्चों के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं, बच्चे कैसे लोगों को गले लगाना चाहते हैं, फिर उसका आंसर है जो गरीब हैं और जिन पर किसी की छाया नहीं है बच्चे लोगों को गले लगाना चाहते हैं। फिर गौ में क्या है, कविता के अनुसार बच्चों में कौन कौन से गुण हैं, कविता के अनुसार बच्चों में देश प्रेम, साहस और आत्मविश्वास का गुण है। घ में क्या है, बच्चे कौन सा दीप जलाना चाहते हैं, बच्चे उद्यम का मतलब मेहनत का दीप जलाना चाहते हैं। फिर अभी हम आते हैं लिखित प्रश्न उत्तर पर, बच्चे किस में उत्साह जगाने की बात कर रहे हैं, जो लोग सारी उम्मीद खो चुके हैं तथा अपने जीवन में बिल्कुल हार मानकर बैठ गए हैं उनमें उत्साह जगाने की बात कर रहे हैं, लिखित मतलब इनको लिखकर आंसर देना है, मौखिक बोलकर लिखित लिखकर। फिर नेक्स्ट में क्या है, बच्चे किसका मान बढ़ाना चाहते हैं, जो वीर मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटा चुके हैं उन बच्चे उनका मान बढ़ाना चाहते हैं, जो वीर मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटा चुके हैं बच्चे उनका मान बढ़ाना चाहते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की वे पंक्तियाँ लिखिए जिनमें बच्चों ने जग में नाम कमाने की बात कही है, ये पंक्तियाँ मतलब लाइन्स, कौन कौन सी लाइन थी जिनमें बच्चों ने जग में नाम कमाने की बात कही है, है शौक यही अरमान यही हम करके कुछ दिखलाएंगे, मरने वाले इस दुनिया में हम अमरों में नाम कहाएंगे, ये लाइन है, पंक्तियाँ हो गई। फिर नेक्स्ट है, बच्चे किसकी सेवा में अपना सब कुछ लुटाना चाहते हैं, बच्चे मातृभूमि की सेवा में अपना सब कुछ लुटाना चाहते हैं, ये भी हो गया। अभी नेक्स्ट नंबर 2 पे आते हैं, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए, कौ में क्या है, बच्चे किसके रखवाले हैं, लक्ष्य के, आज़ादी के, वीरों के, आज़ादी के रखवाले हैं ना, आज़ादी के पर टिक करेंगे। कविता में कौन आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, बच्चे, बच्चे कह रहे हैं ना आगे बढ़ने के लिए। ग में क्या है, इस कविता में कवि, कविता के कवि कौन है, अभी मैंने पिक्चर भी दिखाई थी, बताया भी था कौन है इसके कवि, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, सोहनलाल द्विवेदी, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी या राम नरेश त्रिपाठी, तो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं ना, उन पर टिक करेंगे। फिर नंबर 3, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, हमको सही शब्द चुनना है और फिल द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। कौ में क्या है, जो लोग भिखारी हैं, तो क्या है रंग या गरीब, गरीब शब्द आया था ना, जिन पर न किसी की है, क्या छाया है हाथ, छाया शब्द आया था, तो जिन पर न किसी की छाया है, जो लोग हार कर बैठे हैं, तो इसमें जीत कर या हार कर, हार कर शब्द आएगा, उम्मीद मार कर बैठे हैं, कविता में जो शब्द आए हमें वही लिखना है, तो इसमें क्या है, उम्मीद शब्द आया है, वो हम फील करेंगे। फिर भाषा की बात, भाषा की बात में क्या है, पहला शब्द बनाइए, इसमें दिया है ना अधमा उपूरमा, तो उम्मीद, इससे एक शब्द बना के उन्होंने दिया है उम्मीद, दूसरा हम क्या बना सकते हैं, चम्मच, फिर एक है अधत और स, उत्साह, वत्स, दूसरा वत्स बना सकते हैं, फिर क और क, पक्का, तो दूसरा शब्द हम क्या बनाएंगे, मक्का, सर्वस्व, सर्वस्व है ना स्व, इससे क्या बनाया हमने, स्वाधीन,
बन गए ना एक और शब्द। अभी नंबर टू पर आते हैं। नंबर टू में क्या है, विलोम शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए, मतलब अपोजिट्स बतानी है। तो सबको पता है अपोजिट्स बहुत इजी होते हैं। तो एक एग्जांपल दिया है, गरीब का अमीर, फिर छाया का धूप, सुखी का दुखी, अंधेरे का उजाला। फिर है नेक्स्ट लाइन, अपना का पराया, एग्जांपल दिया है ना। फिर दूसरा, हार का जीत, सपूत का कपूत, मैंने बताया था ना, अच्छा सच्चा पुत्र सपूत और बुरा पुत्र कपूत, वीर का कायर। तो हो गया ना नंबर टू भी कंप्लीट। नंबर थ्री पर आते हैं, पेज नंबर 80 का। नंबर थ्री में शब्दों का उनके अर्थों से मिलान कीजिए। एक एग्जांपल दिया है ना, अर्थ बताना है, इसमें अपोजिट्स मतलब उल्टा बनाना था और इसका अर्थ बताना है शब्द का। तो जैसे हम नए शब्द में देखते हैं ना शब्द के अर्थ, ऐसे ही अर्थ बताना है। तो उम्मीद का आशा, फिर दूसरा मान का आदर, सपूत का सच्चा पुत्र, शौक का रुचि, उत्साह का जोश, अरमान का इच्छा, उद्यम का मेहनत। हो गया ना ये। फिर अभी है इसमें मूल परक प्रश्न, फिर है सोच समझ की बात, फिर है कुछ करने की बात। कुछ करने की बात में हम नंबर टू पे आते हैं। मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखी ये कविता पढ़िए। ये वाली कविता तो बहुत अच्छी है, सारे जहाँ से अच्छा है दोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, जो संतरी हमारा वो पासवा हमारा, गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से रस्क एजिना हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदोस्तां हमारा। अच्छी कविता है ना ये। तो इसमें क्या करना है, इस कविता में कहा गया है कि भारत में अनेक नदियाँ बहती हैं, किन्हीं छह नदियों के नाम बताइए। हमारे भारत में इंडिया में तो बहुत सारी नदियाँ हैं ना, तो हम कोई भी छह नदियों के नाम इसमें लिख सकते हैं। तो जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, तापी, गोदावरी, साबरमती, कोई भी छह नदियाँ हम लिख सकते हैं, इतनी सारी तो नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। फिर नंबर थ्री, अपने देश की कोई चार बातें लिखिए जो आपको अच्छी लगती हैं। तो अपने देश की आप कोई भी बातें लिख सकते हैं। हमारे देश का क्या है, हमारे देश में क्या क्या बातें आपको अच्छी लगती हैं, ये आपको अपने आप से स्वयं करना है। ये तो आप कर सकते हो ना, ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अपने पैरेंट से पूछना, आप खुद से करना, ये वाला एक ही तो मैंने दिया है ना, खुद से करने को करना। अपने देश के बारे में तो आपको पता ही है ना, इंडिया के बारे में तो आपको इंडिया का क्या क्या अच्छा लगता है, कुछ चीज़ें तो इसी में दी गई, इतनी सारी नदियाँ हैं, इतने पर्वत हैं, इंडिया में हमारे क्या क्या है, लोग इतने मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ रखना, इसमें लिखा है ना कितने सारे हमारे धर्म हैं फिर भी लोग एक हैं सब लोग, ऐसे करके हमें अपने देश के बारे में कुछ बातें लिखनी है। फिर नेक्स्ट पेज है।